रायसेन में दिन दहाड़े हुई लूट। रायसेन की सेंट्रल बैंक में ग्राम बनगवा से आए किसान जय प्रकाश गौर से दिन दहाड़े हुई 1 लाख रुपए की लूट। बैंक के बाहर बैठकर अपनी बारी आने का कर रहा था इंतजार, इसी दौरान अज्ञात लुटेरों ने बैग में ब्लेड से कट मारकर किए पहला खर रुपये गायब। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी मौके पर मौजूद, सीसीटीवी फुटेज की सहायता से लुटेरों की तलाश जारी। रायसेन के ग्राम बनेगवा के निवासी जयप्रकाश गौर अपने खाते में पहला खर 90,000 रुपये जमा करने जब सेंट्रल बैंक पहुंचे तो बाहर लगी कुर्सियों पर बैठकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे, तभी उनकी रिकी कर रहे अज्ञात लुटेरों ने उनके बैग में कट मारकर 1 लाख रुपये गायब कर दिए। जब किसान बैंक के अंदर पहुंचा तो उसका बैग नीचे से कटा हुआ था। इसके बाद किसान ने थाने में जाकर मामला दर्ज कराया। ये बनगवा निवासी एक किसान जयप्रकाश गौर आज सेंट्रल बैंक की इस शाखा में 1,90,000 रुपया अपने घर से लेकर जमा कराने आया था। यहाँ काफ़ी भीड़भाड़ थी, यद्यपि बैंक प्रबंधक द्वारा सामने टेंट और कुर्सियाँ लगाई गई थी, इसके बावजूद भी बहुत से जो ग्राहक है वो मेन गेट पे खड़े हुए थे। इसी बीच में किसी अज्ञात व्यक्ति ने मौके का फ़ायदा उठाकर उनके थैले में ब्लेड मारा और उसमें से 1 लाख की गट्टी पार कर दी, बाकी 90,000 रुपया बच गया था। इसकी जानकारी घटना के काफ़ी देर बाद किसान को लगी, तब उन्होंने पुलिस को सूचित किया। हमने आके और सीसीटीवी फुटेज और कैमरे तलाश किए हैं, जो भी इस घटना के सस्पेक्टेड हैं उनकी घेराबंदी करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, इसमें प्रथम दृष्टया तो प्रतीत हो रहा है कुछ महिलाएं शामिल हैं इसमें। जिस वक्त घटना होना प्रतीत होती है उसके आसपास कुछ संदिग्ध टाइप की महिलाएं इस गेट के आसपास घूमती हुई पाई गई थी। इसी प्रकार की एक घटना और 3 दिन पहले बेगमगंज थाना क्षेत्र में भी घटित हुई है, उसमें भी इसी तरह की हुलिया वाली महिलाएं ट्रेस हुई थी। तो इससे ऐसा आभास होता है कि हो सकता है ये गैंग जो है प्लानिंग के तहत ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है।